हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आए हैं तुअर की दाल की, जिसको हम अरहर की दाल भी कहते हैं। इसको हमने होटल स्टाइल बनाया हुआ है जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है। तो दोस्तों, ये दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये कुकर में हमने 4 गिलास पानी डाल लिया है। हम एक कटोरी दाल बनाएंगे तो 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अरहर की दाल जम जाती है। इसको हम गर्म कर लेंगे पानी को अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर और 2 हरी मिर्च, अच्छा बढ़िया लाल टमाटर लिया हुआ हमने पका हुआ, इसको हम डाल देंगे इसमें। पानी हमारा गर्म है, आप देख लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी से इसमें दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हल्दी के बिना तो दाल बेकार है पूरी। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे, और आपका टेस्ट जैसा हो नमक का वैसा डालिएगा आप। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दाल। ये दाल को हमने धो लिया, ये वाली कटोरी हमने ली है जो 3 लोग आराम से खा सकते हैं। दाल धुली हुई है हमारी, हम डाल देंगे इसमें। तुअर दाल है ये, अरहर दाल, पूरी दाल हम इसमें हम डाल देंगे। अब दाल डालने के बाद दोस्तों, हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि दाल हमारी नीचे से चिपके नहीं। अच्छे से मिला देंगे सारे मटेरियल को। अब दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे तेल। तेल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो भी हमारा सामान है, दाल है वगैरह, तो कच्चा सा ना लगे, थोड़ा पकी पकी सी लगे, इसलिए थोड़ा सा तेल डालेंगे। और उबाल में ज़्यादा हमारा पानी ना छोड़े दाल, इसी वजह से। अब ढक्कन लगा देंगे हम और इसको पका लेंगे। 5 से 6 सीटी लगाएंगे हम, हाई फ्लेम पे ही लगाएंगे। अब 5 सीटी हम लगा लेंगे हाई फ्लेम पे ही, ताकि दाल हमारी अच्छे से पक जाए, कच्ची कच्ची ना रहे। और 5 सीटी के बाद हम चेक कर लेंगे कि दाल हमारी मिली या नहीं। दाल मिलना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जिससे दाल का स्वाद और अच्छा लगता है। दाल गलना अलग बात है, दाल मिलना एक अलग बात है। तो दोस्तों, हम चेक कर लेंगे अपनी दाल को सीटी निकाल के। देखिए दोस्तों, हमारी दाल पक चुकी है और ठीक पकी है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा घुली भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, तो अच्छी पक गई है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा घुली नहीं है ना, एक एक दाना बनकर आया है हमारी दाल का, जिससे दाल बहुत टेस्टी लगेगी और चावलों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। यह कढ़ाई में हमने 1/2 चम्मच बड़ा वाला तेल डाला है, तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। दोस्तों, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे। ये 1/2 चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है हमने। ये थोड़ी राई डालेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं राई, सरसों भी बोलते हैं इसको। 5 से 6 पीस डालेंगे लहसुन के, कट करके आधे आधे। और लहसुन को हमें लाल करना है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए तड़के में। हमें ज़्यादा जलाना नहीं है लहसुन को, अच्छा लाल कर लेंगे लेकिन, ताकि तड़के में अच्छी खुशबू आए। ये हम एक कटी हुई छोटी प्याज डाल देंगे, इसको ट्रांसलूसेंट होने तक हम पकाएंगे अच्छे से। हमें ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को भी, प्याज आपकी मर्जी है डालें नहीं डालें। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी के पत्ते। 2 कड़ी पत्ते लिए थे हमने, जिसका हम छोटे छोटे पीस कर लिए थे। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल में। दोस्तों, हम इसको होटल के स्टाइल में बना रहे हैं, जो होटलों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में दाल चावल जो मिलते हैं। ये हींग डाल रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी, और जो मिलती है दाल चावल तो बहुत अच्छी लगती है वो, ये वही उसी तरीके से हम बनाएंगे। अब ये हम अपनी दाल डाल देंगे पकी हुई, और बंद कर देंगे गैस को और ढाँक देंगे ताकि खुशबू ना जाए। दोस्तों, हमारी दाल बनके रेडी है। तो दोस्तों, मेरी दाल कैसी लग रही है बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत टेस्टी दाल है, आप दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी, आप खाइएगा। आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।